हे हेलो दोस्तों, हाय, मेरा नाम है रवि और आप देख रहे हो आरबीडी शॉर्ट टाइम चैनल। तो आज मैं आया हूँ शाइनिंग जॉय शोरूम पे। तो यहाँ पे आज मैं जॉय का इलेक्ट्रिक बाइक है, उसका बुल उसका मैं आज आपको रिव्यू बताने वाला हूँ। तो बिग थैंक्स तो हमारे शाइनिंग जॉय शोरूम को, जिसने हमको ये बाइक प्रोवाइड की है रिव्यू बनाने के लिए। और अगर आप बड़ौदरा सिटी में रह रहे हो, आप इस शोरूम को कॉन्टैक्ट करना है, तो उसका सारा कॉन्टैक्ट डिटेल्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूँगा। आप वहाँ से आप इनको शोरूम को कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो वड़ोदरा में ये गोती रोड आता है, गोती रोड के सामने एक क्रासिल टावर करके बिल्डिंग आती है, उस बिल्डिंग के अंदर शाइनिंग जॉय शोरूम आपको देखने को मिल जाएगा। तो विजिट कीजिएगा अगर आप वड़ोदरा सिटी में रह रहे हो। तो चलिए बुल्क का रिव्यू मैं स्टार्ट करता हूँ। तो यहाँ भी दो मॉडल खड़े हैं, यहाँ पे एक ऑरेंज सिल्वर कलर का मॉडल और दूसरा जो मॉडल है वो रेड और ब्लैक कलर का मॉडल है। और दूसरा कलर भी आता है वाइट और रेड कलर का। वैसे इसके अंदर चार कलर ऑप्शन आपको मिल जाएंगे बुल्क के अंदर। तो ये जो वुल्फ है वो वुल्फ प्लस नहीं, वुल्फ प्लस यहाँ पे खड़ी है। तो आज हम लोग वुल्फ का रिव्यू करने वाला है। तो वुल्फ के अंदर आपको ये चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। देखिए आप यहाँ पे नो रजिस्ट्रेशन नो लाइसेंस, इसकी आप इस वुल्फ के अंदर आपको ये सब सारी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पर आपको जॉय ई बाइक का ब्रांडिंग देखने को मिल जाएंगे, आगे की और भी आपको यहाँ पे जॉय ई बाइक का ब्रांडिंग देखने को मिल जाएगा। आपको यहाँ पे ग्राफिक्स मिल जाएंगे रेड कलर के और यहाँ पे वुल्फ का स्टिकरिंग मिल जाएगा, और स्टिकरिंग भी बहुत ही बढ़िया है इसका। और पीछे की ओर आपको यहाँ पे मिल जाएंगे जॉय ई बाइक का ब्रांडिंग, और पीछे की ओर आपको ये बैक रेस्ट मिल जाएगा। यहाँ पे आपको स्पॉन्ज मिलेगा, तो आप इसको जब टच करके बैठेंगे तो आपको बहुत ही अच्छा कंफर्टेबल मिलेगा इससे पीछे। और पीछे भी आपको जॉय ई बाइक की ब्रांडिंग देखने को मिल जाएंगी। वैसे इसके अंदर भी ऐसा है, तो इसके अंदर ब्लैक मिलेगा और इसके अंदर आपको ऑरेंज कलर का मिलेगा बैक रेस्ट। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे इसकी की के बारे में बात करेंगे। तो देखिए कितनी खूबसूरत से की इसके साथ आती है। तो ये इसकी की है, ओके, और ये इसका रिमोट है। तो चलिए दोस्तों, अभी हम लोग इसके रिमोट के बारे में बात करते हैं। तो रिमोट के अंदर आपको कुछ इस तरह से फंक्शन देखने को मिल जाएगा। तो पहला फंक्शन है अनलॉक का। तो जैसे ही आप अनलॉक करोगे तो ये अनलॉक हो जाएंगी। अभी ये जो सायरन बजा वो अनलॉक का सायरन बजा, ओके। और अगर आपको इसको लॉक करना है तो लॉक सिंपल से लॉक बटन दबा दीजिए, तो ये अपनी बाइक जो है वो लॉक हो गई है। और ये है अलार्म, तो आप जैसे अलार्म दबाओगे तो वो ऑन हो जाएगा। तो ओके, तो जैसे ही आप अलार्म बटन दबाओगे, आपका कहीं पे पार्क किया अपनी बाइक कहीं पे पार्क की है, तो आपको पता नहीं आपकी बाइक कहाँ पे पार्क की है, तो सिंपल से अलार्म बटन ऑन कर दीजिए और इसको बंद करने के लिए आप लॉक वाला बटन दबा दीजिए, तो वो अपने आप ही बंद हो जाएगा, ओके। और ये वाला जो आप बटन दिख रहे हैं वो अपनी जॉय को स्टार्ट करने के लिए है। तो जैसे ही ये वाला बटन दबाओगे तो अपनी जॉय जो है वो स्टार्ट हो जाएंगी। तो ये मैंने डबल क्लिक किया और अपनी जो वुल्फ है वो स्टार्ट हो चुकी है। अब इसको जब अपनी रिमोट से ही अपनी जो वुल्फ है वो स्टार्ट हो जाती है, और अब अगर आपको इसको बंद करना है तो सिंपल सा जो अनलॉक बटन है उसको दबाइए, तो ये अपनी जो वुल्फ है वो शट डाउन हो चुकी है, मतलब ऑफ हो चुकी है। और हाँ, दूसरी ये वाली सिस्टम है कि अब अगर आपको आप इसको लॉक कर दोगे, तो अभी इसको मैंने ये लॉक किया, ओके। और आपका गाड़ी आप लॉक करने के बाद आपकी गाड़ी को कोई छूते है ऐसा, तो इसके अंदर ब्लिंकिंग इसका अलार्म स्टार्ट हो जाएगा। देखा, इसका अलार्म स्टार्ट हो चुका है। और अगर कोई ज़्यादा इसको हैरान करेगा, ज़्यादा कोई इसके ऊपर बैठेगा और ज़्यादा हैरान करेगा, तो इसका जो अलार्म सिस्टम है वो ऑन हो जाएगा। तो अलार्म को बंद करने के लिए आप अनलॉक कर दीजिए, तो ये अलार्म अपने आप ही बंद हो जाएगा, ओके। तो दोस्तों यार, कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको ये सारे फीचर कैसे लगे इस वुल्फ के अंदर। को ऑन करता हूँ, तो अभी ये बंद है, और ये आपको सेंटर लॉक करना है तो इसको लेफ्ट और घुमा दीजिए और ये स्टेयरिंग लॉक हो जाएगा, ओके। और अभी ये अनलॉक हो गया, और जैसे ही आप एक बार इसको राइट और घुमाते हो तो इसका ये जो बाइक है वो स्टार्ट हो जाती है। अब तो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के अंदर आपको कुछ इस तरह से देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे टोटल स्पीडो किलोमीटर है, यहाँ पे ऑडो किलोमीटर है, और यहाँ पे बैटरी इंडिकेटर सारा यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। कितना फुल चार्ज है, कितनी कम बैटरी है, वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी। यहाँ पे आप जो देख रहे हो वो इंडिकेटर की लाइट होगी यहाँ पे। तो देखिए अभी ये इंडिकेटर की सिग्नल लाइट हो रही है। अभी यहाँ पे आपको रेडी का साइन भी देखने को मिल जाएगा। अभी इसका जो हाई बीम है उसका जो लाइट है वो अभी ऑन है इसका हाई बीम, तो अभी ये ऑफ हो गया। तो ऑफ और ऑन करने पर इसके आगे कुछ ब्लू कलर की लाइट आपको इसके आपको देखने को मिलेगी। आगे की कॉकपिट के बारे में और भी बात करें तो आपको यहाँ पे एक छोटा सा होल्डर मिल जाएगा, जहाँ पे आप अपनी कोई बैग लटका सकते हो, कुछ भी आप यहाँ पे हैंग कर सकते हो यहाँ पे, ओके। तो बहुत ही अच्छी जगह है, और देख लीजिए यहाँ से आपको बूट स्पेस कैसा मिलता है, आपको देख सकते हो यहाँ पे एक फुट जितना बूट स्पेस होगा, इसकी जो लेंथ है ना वो एक फुट जितना होगा, और लंबाई में भी बहुत ही अच्छी है।
और वुल्फ को स्टार्ट करने के बाद इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर कुछ इतना को देखने को मिलेगा और आगे की और आपको ये जो एलईडी लाइट्स है वो सारी ऑन हो जाएंगी। तो यहाँ पे देखिए आप डीआरएल लाइट यहाँ पे भी है और ऊपर की और भी आपको डीआरएल लाइट देखने को मिल जाएंगी, तो बहुत ही खूबसूरत दिख रही है। इसका जो डीआरएल है ना वो कूलिंग टेम्परेचर जितना है कूलिंग टेम्परेचर, तो बहुत ही शानदार दिख रही है जब इसकी डीआरएल ऑन करते हैं तब। और पीछे की और भी देख लेते हैं हम लोग, पीछे की और जब बाइक स्टार्ट होती है तो कैसा दिखता है, तो देख लीजिए यहाँ पे कितनी खूबसूरत टेल लाइट आपको देखने को मिलेगी। ये पूरी जो टेल लाइट है वो पूरी एलईडी टेल लाइट है इसके अंदर। और दूसरी यहाँ पे आपको देखने को यहाँ पे भी देखने को मिल जाएंगी, जो आपका नंबर प्लेट आता है वहाँ पे इसके ऊपर ही ये वाली एलईडी टेल लाइट देखने को मिलेंगी। तो पीछे का जो बैक पोर्शन है वो बहुत ही खूबसूरत है, मेरे को बहुत ही पसंद आया। तो अभी यहाँ से आपको मैं क्लोज व्यू बता देता हूँ। तो अभी आप यहाँ पे जो हेडलाइट दिख रहे हो वो लोअर लाइट है, ये वाली जो लो बीम है और जो आगे की ओर है वो हाई बीम है। तो जैसे मैं हाई बीम का बटन दबाता हूँ तो हाई बीम ऑन हो जाता है इसके अंदर और बहुत ही खूबसूरत हाई बीम के अंदर इसकी जो लुक है वो आ रही है। और साइड इंडिकेटर में आप देखोगे तो कुछ इस तरह से होने वाला है। तो ये मैंने साइड इंडिकेटर दबाया और देखिए कितनी खूबसूरत दिख रही है। जो व्हाइट कलर की डीआरएल है उसके अंदर ये ऑरेंज एम्बर कलर की साइड इंडिकेटर ब्लिंक हो रही है। तो अभी दोनों जो वुल्फ है बहुत ही शानदार दिख रही है। अभी मैं देखने जाऊँ तो ये वाली बाइक बहुत ही मस्त दिख रही है मेरे आंखों के सामने की ओर, और ये भी बहुत ही अच्छी है। लेकिन अभी जो फिलहाल जो अभी मैं लाइव देख रहा हूँ ना शोरूम के अंदर, तो ये वाला कलर मेरे को बहुत ही अट्रैक्टिव दिख रही है। बाकी आपकी चॉइस, आपको कौन से कलर अच्छे लग रहे हैं। ओके, तो वुल्फ का कॉकपिट आपको कुछ इस तरह से देखने को मिल जाएगा। आपके हाथ के पास कुछ इस तरह से कॉकपिट आने वाला है वुल्फ का, और बहुत ही शानदार दिख रही है। तो राइट हैंड और आपको ये सारे बटन्स देखने को मिल जाएंगे। और तो यहाँ पे देखो सबसे पहले जो रेड कलर का बटन है ना, तो यहाँ पे जो बटन है वो रिवर्स का बटन है। तो आज तक मैंने कभी भी रिवर्स बटन मैंने कोई बाइक के अंदर देखा, कोई स्कूटर के अंदर देखा, ये मैंने पहली बार देखा है ऐसा रिवर्स बटन। और ये है ड्राइव मोड। ओके, तो जैसे ही आप इसको रिवर्स मोड में डालोगे और जैसे आप इसे एक्सीलरेट होंगे तो ये पीछे की ओर अपने आप कोई भी ढलान होगी, आप मतलब आप उतर नहीं पा रहे हो, कोई ढलान जैसी कोई चीज़ है और आपको वहाँ पे फोर्स की ज़रूरत है पीछे खींचने के लिए, तो सिंपल सा रिवर्स बटन दबा दीजिए और इसको थोड़ा पुश कीजिए तो अपनी जो वुल्फ है वो पीछे चलने लगेंगी। और आगे की ओर जाना है तो ऑब्वियसली ड्राइव मोड कर दीजिए तो आप आगे ड्राइव कर पाओगे। तो ये वाला जो बटन है वो हेडलाइट के लिए है, तो ये हेडलाइट बंद हो गई, ये डीआरएल ऑन होती है और ये अपनी हेडलाइट ऑन करने के लिए। ओके, तो और यहाँ पे बटन नहीं आता, यहाँ के जो बटन एक्स्ट्रा बटन है वो वुल्फ प्लस के अंदर आता है। ओके, तो फिलहाल हम लोग वुल्फ का रिव्यू बना रहे हैं तो वुल्फ पे ज़्यादा फोकस करेंगे। और दूसरा यहाँ पे आपको ये बटन भी देखने को मिल जाएंगे, ये लोअर बीम है और ये हाई बीम है। ओके, तो ये दोनों बटन आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पे साइड इंडिकेटर के बटन है यहाँ पे। ओके, और ये अपना हॉर्न, तो हॉर्न भी बहुत ही अच्छा है, उसका जो ट्यूनिंग है बहुत ही लाइट है। ओके, और यहाँ पे देखो की के पास आपको कुछ इतना ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा की के पास। तो की के पास सबसे पहले ये वाला जो लॉक बटन है वो आपका स्टीयरिंग लॉक हो जाएगा। उसके बाद ये पुश करोगे तो आपका जो हैंडल बार है वो अनलॉक हो जाएगा हैंडल बार। और उसके बाद आपको वुल्फ को राइड करना है तो यहाँ पे टॉप कर दीजिए यहाँ पे, तो आपकी जो वुल्फ जाने के लिए रेडी है। तो यहाँ पे आपको ये डेकी ओपन करनी है, तो यहाँ पे आपको डेकी ओपन करनी है तो स्टीयरिंग सीधा रखिए। ओके, तो स्टीयरिंग सीधा करने के बाद आप जैसे ही इसको लैपटॉप घुमाओगे तो यहाँ पे हल्की सी आवाज़ आएंगी और आपको ये डेकी ओपन हो जाएंगी। तो आपको कुछ इस तरह से डेकी के अंदर स्पेस देखने को मिल जाएंगी जो बहुत ही बढ़िया। आप यहाँ पे हेलमेट नहीं रख सकते क्योंकि यहाँ पे इसका आपको आपकी बैटरी यहाँ पे आ जाएंगी। अब थोड़ा थोड़ा सामान आपके डॉक्यूमेंट्स है तो आप यहाँ पे रख सकते हो। और सीट के नीचे कुछ इस तरह से आपको मटेरियल देखने को मिल जाएगा। ओके, और सीट को बंद करने के लिए हल्का सा पुश कीजिए तो सीट बंद हो जाएंगी। दूसरा, आप यहाँ पे देखने के जाओ आप तो यहाँ पे बहुत ही अच्छा होल्डर मिलता है आपको। आप अपनी कोई भी चीज़ आपके डॉक्यूमेंट्स कोई भी सामान आप यहाँ पे रख सकते हो। और यहाँ पे एक यूएसबी चार्जर पोर्ट दिया गया है, अभी मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे आपको USB चार्जिंग पॉइंट देखने को मिल जाएंगे। आपको अपना आपका मोबाइल चार्ज करना है, आपका कोई गैजेट चार्ज करना है तो आप यहाँ से ये चार्जिंग कर सकते हो। ओके, तो ये ऑप्शन बहुत ही अच्छा दिया गया है। दूसरा, यहाँ पे देख सकते हो तो ये वाला आपका चार्जिंग पॉइंट, यहाँ से आप
आप बोल को यहाँ से भी चार्ज कर सकते हो, और आप इसकी जो बैटरी है उसको निकाल के आप आपका जो घर में आप अपने घर में भी ले जा सकते हो, और वहाँ से भी आप अपनी जो बैटरी है बुल की वो चार्ज कर सकते हो। ये जो पोर्टेबल ऑप्शन होता है ना, उस तरह कुछ इस तरह से इसके अंदर ऑप्शन मिल जाएगा। तो ये रहा उसका चार्जिंग पॉइंट। तो ये वाली जो स्पेस है मेरे को बहुत ही अच्छी लगी। तो अगर आपको बूट स्पेस की ज़्यादा ज़रूरत है तो आप बूट ले सकते हो, उसके अंदर आपको बूट स्पेस बहुत ही बढ़िया सा मिल जाएगा। तो पिलियन के लिए फूड रेस्ट यहाँ पे आता है पिलियन के लिए, और हमारे लिए आगे आगे की और फूड रेस्ट आ जाएगा। और यहाँ के अंदर साइड स्टैंड आपको देखने को मिल जाएगा, मेन स्टैंड आपको देखने को मिल जाएगा, और आपको यहाँ पे बढ़िया सी डिस्प्ले देखने को मिल जाएगी। देखो आप फ्रंट और के भी डिस्प्ले मिलेंगी, और रियर में भी आपको डिस्प्ले देखने को मिल जाएंगी, जो बहुत ही अच्छा है हमारी बाइक के लिए, सेफ्टी के लिए भी बहुत ही अच्छा है। और आप यहाँ पे देख सकते हो इसका एलोबिल है, वो CNC कट जितना जैसे ही लुक इसका आ रहा है एलोबिल का, बहुत ही खूबसूरत एलोबिल है इसका, ये देख रहे हो आप यहाँ पे, ओके। और इसके अंदर जो टायर है वो आपको ट्यूबलेस टायर मिल जाएंगे इसके अंदर, और टायर की ग्रिप भी बहुत ही बढ़िया सी टायर की ग्रिप है। इसका जो टायर सेक्शन कितना है वो अभी डिस्कस स्क्रीन पे उसका टायर सेक्शन की साइज़ आ जाएंगी, और टायर बहुत ही बढ़िया सा टायर आपको यहाँ पे मिल जाएगा। और पीछे की ओर देख लीजिए टायर कितना अच्छा टायर है यहाँ का, सीएट जो टायर मिलता है आपको सीएट के टायर मिलते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे आपको ये वाला सस्पेंशन मिल जाएगा, जो हाइड्रोलिक सस्पेंशन बोलते हैं वाला सस्पेंशन आपको यहाँ पे मिल जाएगा, जो बहुत ही कंफर्टेबल सस्पेंशन है यहाँ पे। और फ्रंट और की और आपको टेलीस्कोपी सस्पेंशन मिल जाएगा, जहाँ पे आपको ये वाला रबर मिलेगा, तो ये रबर बहुत ही अच्छा है, आपका जो जंपर है उसकी वैल्यू लाइफ और भी बढ़ा देंगी ये रबर की वजह से। तो इसके अंदर आपको जो सस्पेंशन है वो हाइड्रोलिक सस्पेंशन टाइप आपको मिल जाएंगे, तो यहाँ पे आपको टेलीस्कोपिक फ्रंट स्पोक आपको मिल जाएंगे, और पीछे की और रियर में भी आपको ड्यूल एडजस्टेबल हाइड्रोलिक सस्पेंशन आपको देखने को मिल जाएंगे। और इसके अंदर जो ब्रेक डिस्क ब्रेक सिस्टम है इसके अंदर भी आपको हाइड्रोलिक सिस्टम आपको देखने को मिल जाएंगी, ओके। और यहाँ पे जो मैं रिव्यू बना रहा हूँ वो मेरे लाइफ का सबसे पहला रिव्यू है, मतलब अभी जितने भी मैं रिव्यू बनाया था वो मेरी बाइक पर्सनल बाइक के मैं रिव्यू बना रहा था, और ये जो रिव्यू बना रहा हूँ मैं लाइफ में पहली बार 100 रुपए का रिव्यू बना रहा हूँ। तो कमेंट करके जरूर बोलना आपको रिव्यू कैसा लगा। तो दोस्तों आपको यहाँ पे एक चीज़ बताऊँ तो इसके अंदर मतलब कैसा है कि अभी जो मेरी बाइक है तो लीटर पेट्रोल समथिंग 105 रुपये का लीटर पेट्रोल मेरे को उसका पुरवाना पड़ता है, तब जाके वो एक लीटर के अंदर 45 किलोमीटर का आसपास एवरेज देती है। तो इसके अंदर इसकी रेंज कैसी है, आप अगर मतलब 20 रुपीज़ का इलेक्ट्रिक चार्ज कर दिया तो ये लगभग 60 किलोमीटर के आसपास आपको रेंज देगी। तो फर्क आपको पता चल रहा है ना कि पेट्रोल का प्राइस है 100 रुपीज़ और वो माइलेज देती है 45 किलोमीटर, ओके। और आप 20 रुपीज़ से इलेक्ट्रिक चार्ज करोगे ना तो आपको 60 किलोमीटर का इसका रेंज देती है। तो आप जब सिंगल ड्राइव कर रहे हो तो लगभग 60-65 प्लस आपको ये इसकी रेंज देखने को मिल जाएंगी, और अगर आप मतलब तो पिलियन के साथ इसको चला रहे हो तो इसकी रेंज आपको 55 के आसपास इसकी रेंज आपको मिल जाएंगी। तो इस बुल्फ के अंदर आपको लिथियम आयन बैटरी मिलेगी, और इसका जो चार्जिंग टाइम है वो 3 से 3.5 घंटे के अंदर फुल चार्ज हो जाती है, और इसकी जो टॉप स्पीड है वो 25 किलोमीटर की इसकी टॉप स्पीड है, और उसकी जो रेंज है वो रेंज 60 किलोमीटर के आसपास इसकी बहुत अच्छी रेंज है इसके अंदर। तो इसका जो कर्व वेट है वो 67 kg है, और इसकी जो लोडिंग कैपेसिटी है वो 140 लोडिंग कैपेसिटी है इसकी, और बुल्फ है वो इतना वजन खींच सकती है अपने ऊपर। तो 60 वॉट की आपको इसके अंदर लिथियम आयन की बैटरी मिल जाती है। तो आपको डेकी ओपन करो तो डेकी ओपन करने के बाद आपको ये वाली बैटरी देखने को मिल जाएंगी, जो 60 वॉट की बैटरी आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी, और इसकी जो ड्राई मोटर है वो 250 वॉट की ड्राई मोटर इसके अंदर आती है। तो यहाँ पे भी आपको इससे सारे फंक्शन देखने को मिल जाएंगे, कुछ भी प्रॉब्लम हो कुछ भी कितनी फुल चार्ज हुई है वो भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी। और दोस्तों इसकी जो मैन्युफैक्चरर है ना उसकी जो कंपनी है जॉय कंपनी वो अपनी वडोदरा सिटी में है, और मैं भी यहाँ वडोदरा का सिटी का हूँ, तो आप अगर लेने का प्लानिंग कर रहे हो तो इसको परचेस कीजिएगा, बहुत ही अच्छा है, अपनी यहाँ की वडोदरा की मैन्युफैक्चर की ये बाइक है, और इसका जो सप्लाई वो पूरा इंडिया के अंदर इसका सप्लाई होता है। तो अभी इसकी जो प्राइस है वडोदरा सिटी के अंदर तो 79,800 के अंदर इतने सारे फीचर्स आपको देखने को मिल जाएंगे। तो ओके, तो आपका ये बहुत ही अच्छी प्राइस है, इतना अच्छा प्राइस सेगमेंट के अंदर इतना सारे फीचर्स आपको भर भर के मिल रहे हैं, तो आपके लिए ये बाइक बहुत ही अच्छी है।